98% ब्लड एंड की जगह प्लस आएगा ठीक है 98% ब्लड ऑक्सीजन। अब देखो y की पावर 3 वाले कितने 1 2 तो ये बस तो लिखना है 1/3 y की पावर 3 प्लस 5/2 y की पावर 3 दोनों हुए y की पावर 3 वाले। अब y की पावर 2 वाले देखते हैं हम अब देखो 3 वाला लिया पावर 2 वाला लिख रहे हैं 2y² फिर ये माइनस 4/3 वाई स्क्वायर एक ये भी वाई स्क्वायर वाला है इसको लिख दो प्लस 5/3 वाई स्क्वायर का हो गया वाई क्यूब फिर स्क्वायर वाला भी हो गया फिर एक वाई वाला खाली वाई प्लस वाई फिर प्लस 2/3 वाई ठीक है फिर वाई 2। अब लेना कांस्टेंट टर्म का क्या है ये 3/5 इसमें कुछ है ही नहीं इसमें ये रहा -5/3 फिर 3 ये 3 कांस्टेंट टर्म है ना ये लिखो मतलब लाइक टर्म्स को एक जैसे y क्यूब y को इनको कहेंगे लाइक टर्म्स है क्या बोलेंगे हम लाइक इनमें y स्क्वायर है तो ये क्या लाइक टर्म्स है एक जैसी है ऐसे करना है। अब इनमें क्या करेंगे एलसीएम ले लो 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 6 को डिवाइड कर 2 आया 3 2 जा 2 बन जा और y क्यूब ऐसे वैसे प्लस 2 से 6 को डिवाइड किया 3 आया 2 3 3 5 जा 15 y क्यूब। अब देखो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान से 1 3 3 का एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 3 2 जा 6 फिर 3 से 3 को डिवाइड किया 1 1 4 जा 4 y स्क्वायर 3 से 3 को डिवाइड किया 1 5 जा 5 y स्क्वायर फिर ये प्लस y के नीचे कुछ नहीं है 1 लिख सकते हो तुम 1 लिख दो यहाँ पे 1 3 2 का एलसीएम क्या आएगा 6 1 से 6 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6 6 का 1 y में 6 y प्लस फिर ये 3 2 जा 2 आया 2 2 जा 4 y फिर प्लस 2 से 2 को डिवाइड किया 1 2 से 6 को 2 3 जा 3 आया 3 का y में 3 y यहाँ क्या लिखना है 3y है ना यहाँ देख लो तुम उतारो की देख लो ना 3y है। अब इसके बाद ये वाला ये अलग कर रहे हो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। इसके नीचे कुछ नहीं है 5/3 जो साइन लगाया उसके पहले वही साइन लगा देना 5 से डिवाइड करो 15 कितनी बार में आएगा 5 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है बताओ थ्री और थ्री का ऊपर भी थ्री है देखो इधर तो थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया फिर माइनस है माइनस। अब थ्री के टेबल में कितनी बार में 15 आता है 5 का 5 बार टेबल को 5 जा ठीक है फिर प्लस है प्लस लगा दिया 1 से 15 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15 ही आएगा 15 का फिर 3 में टेबल पड़ेंगे ऊपर 3 है 45 ठीक है ये हो गया। अब इनको उतारेंगे 15y³ और 2y³ कितना हो गया 17/6y³ ये हो गया पहला वाला। अब इन दोनों को देखो 6 और 5 कितना हो गया 11 11 में से 4 गया कितना बचेगा 7y²/3 प्लस लिख दिया। अब ये करना है 6 और 4 10 10 और 3 13 13/6y² y वाला स्क्वायर वाला लिख दिया y वाला। अब ये लिख दो इनको 45 और 9 कितना होता है 54 में से 25 माइनस करके लिख देना खत्म।